भवन एवं सड़क निर्माण मजदूर फेडरेशन संबंधित सिट्टू की राज्य कमेटी के आह्वान पर मजदूरों ने उन्हें मिलने वाली सुविधाएं और रजिस्ट्रेशन में हो रही देरी को लेकर रामपुर श्रम एवं कल्याण अधिकारी के कार्यालय के बाहर प्रदर्शन किया। उसके बाद कल्याण अधिकारी के माध्यम से ज्ञापन भी भेजा गया। इस प्रदर्शन को सिट्टू शिमला जिला अध्यक्ष कुलदीप सिंह, सिट्टू राज्य उपाध्यक्ष बिहारी स्वेगी, निर्माण मजदूर यूनियन शिमला के जिला उपाध्यक्ष रंजीत ठाकुर सहित कई नेताओं ने संबोधित किया। उन्होंने कहा कि आज पूरे देश में निर्माण मजदूरों को मिलने वाले लाभों से लोग दूर रह रहे हैं। समय पर निर्माण बोर्ड में निर्माण मजदूरों की रजिस्ट्रेशन तक नहीं हो पा रही है, इसके विरोध में ये प्रदर्शन हो रहा है। उन्होंने कहा कि प्रदेश की भाजपा सरकार अपने राजनीतिक फायदे के लिए बोर्ड में मिलने वाले सुविधाओं का वितरण भी नहीं कर रही है। मजदूरों द्वारा सुविधाओं के लिए फॉर्म भरकर 2 साल पहले दे दिए जा चुके हैं, परंतु आज तक उन्हें लाभ नहीं मिला है। उन्होंने कहा कि मजदूरों को सुविधाओं में इंडक्शन हीटर, सोलर लैंप, साइकिल, कंबल, वाटर फिल्टर, डिनर सेट मिलने हैं। साथ ही साथ स्कॉलरशिप, विवाह व मेडिकल के बिल भी पिछले 1 वर्ष से लंबित पड़े हैं। भवन एवं सड़क निर्माण कामगार यूनियन ने रामपुर मिनी सचिवालय के बाहर प्रदर्शन करने के बाद श्रम अधिकारी रामपुर के माध्यम से सरकार को ज्ञापन भी भेजा। सिट्टू के राज्य उपाध्यक्ष बिहारी स्वेगी ने बताया कि आज वे पूरे प्रदेश में धरना प्रदर्शन किए जा रहे हैं। इससे पूर्व 17 तारीख को विधानसभा के बाहर प्रदर्शन कर सरकार के समक्ष मांगे रखी थी और श्रमिक कल्याण बोर्ड में मजदूरों के पंजीकृत शीघ्र करवाने की मांग भी रखी गई थी। कामगारों को समय पर बोर्ड के माध्यम से सुविधा न मिलने से कामगारों को मुश्किलें हो रही हैं, जिसके निवारण के लिए सरकार से मांग की गई है। हिमाचल प्रदेश में हम लोग ने धरना प्रदर्शन दिया। 17 तारीख को हमने विधानसभा के बाहर किसानों मजदूरों ने प्रदर्शन किया था और सरकार से ये मांग की श्रम मंत्री से कि जो वेलफेयर बोर्ड में मजदूर रजिस्टर हुए हैं उनकी जो बेनिफिट है, जिसमें शादी का पैसा, उनके बच्चे को मिलना, मेडिकल की सुविधा का पैसा, डिलीवरी का पैसा है, बाकी जो आर्टिकल्स मिलने जिसमें इंडक्शन चूल्हा वगैरह हैं, साइकिल वगैरह है, वो मिल नहीं रहे लोगों को, इसके लिए हम लोग आज यहाँ पर इकट्ठे आए और इनके SDM जो श्रम मंत्री है वो हमने ज्ञापन दिया है यहाँ के लेबर ऑफिसर के माध्यम से तुरंत इसको हल कर। सिट्टू जिला शिमला के अध्यक्ष कुलदीप ने बताया कि भवन एवं सड़क निर्माण कामगार यूनियन ने धरना प्रदर्शन किया है। उनकी मांग थी कि श्रमिक कल्याण बोर्ड से निर्माण मजदूरों को जो सुख सुविधाएं एवं सहायता प्रावधानों के तहत मिलती है, वे समय पर नहीं मिल रही है। इसका राजनीतिकरण हो रहा है और वे मांग करते हैं कि जो बोर्ड मजदूरों को समय पर श्रमिक कल्याण बोर्ड के पास एकत्रित धन का आवंटन किया जाए। आज हिमाचल प्रदेश भवन एवं सड़क निर्माण कामगार जो यूनियन है उसने ऐलान किया था कि हिमाचल प्रदेश के अंदर जो श्रमिक कल्याण बोर्ड से निर्माण मजदूरों का जो समस्या आ रही है, जैसे बोर्ड की बैठक जो है हर 3 महीने के बाद होनी चाहिए वो नहीं हो रही है, और दूसरा जो है 2018 से लेकर अभी तक जितनी भी जो है जो सहायता है जो मजदूरों को मिलने, गिफ्ट मिलने, वो अभी तक जो है रिलीज नहीं किया। इसलिए हम ये चाहते हैं कि जितना भी जो आइटम जो है 16 प्रकार की जो सुविधा जो है बोर्ड की तरफ से मिलती है वो जो है 3 महीने के अंदर अंदर जो है मजदूर को मिलनी चाहिए। तो अभी तक क्या ये मिल नहीं रही है? मिल तो रही है, इसके अंदर ये है कि जो हिमाचल प्रदेश की सरकार है वो सरकार जो जानबूझकर इसको डिले करना चाहती है और अगली साल जो है चुनाव से 6 महीने पहले जो इसको भाजना चाहती है, राजनीतिक फायदे के लिए इसको जो है इस्तेमाल करना चाहती है, जो गलत है।